आइडेंटिफिकेशन कीजिए पार्ट। चलो इसमें जान दो, डीओसी कौन सा है? ये पूरा एक ही मॉड्यूल आपको दिखेगा, ठीक है? ये यहाँ से खुल के ये सब अलग होंगे पार्ट। ये पार्ट है ऐसे, एक दूसरा वो तीसरा और वो बीच में नहीं है, नहीं है। ये पूरा यहाँ से यहाँ एक पार्ट एस सी आर का, उसी के अंदर है मॉक्स लगा हुआ। यहाँ प्रॉब्लम है उसी को खोलने का, वो उतरेगा पूरा, वो अलाइनमेंट नहीं हो पाएगा ना, वहाँ से लीकेज शुरू कर देगा। अलग अलग कर सकते हैं जो है ना, इनलेट आउटलेट, इनलेट आउटलेट, ये नॉक सेंसर, वो नॉक सेंसर है इनलेट का, इनलेट ये है ना डीओसी, डीओसी का ये हो गया डीपीएस, नंबर वाले मिक्सर, और ये एससीआर। सर बोले आप लोग नंबर लिखिए, नंबर यहाँ पर टेम्परेचर, ये है ना आपका स्मार्ट सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, इसमें लिखा है ना T1, T2, T3, T4, तो T1 ये हो गया ना, T2 ये हो गया ना, T3 और ये आखिरी में T4, ठीक है? और आउटलेट में आउटलेट का नॉब, ये गलती वाली पूरी असेंबली चेंज करनी पड़ेगी। एक लाया तो ये ना पूरा मॉड्यूल चेंज होगा, एक भी खराब हो गया तो कौन सा यहाँ पे सर वो बदल नहीं सकते क्या? एक को ये पिन में से नहीं होगा ना, स्मार्ट सेंसर है ये पिन में से निकलेगा, यहाँ से नहीं निकलेगा ना, इनबिल्ड है वो, कहाँ से आपको दिख रहा है? नॉक सेंसर में कैसा है, नॉक सेंसर कैसा है, उसका इस्तेमाल करते हैं वैसे ही, ये भी खराब होगा तो वो पूरा